Action! क्या है देखो सालू है ये है सालू तुम इसके साथ क्या कर रही हो शालू
तू पागल हो गई है? घर से भाग रही थी, तुझे पता भी है घर से भागना क्या होता है? एक सेकंड, एक सेकंड। तीसरा कैमरा है? अरे ये आए शालू को लेके। ये है शालू। तुम इसके साथ क्या कर रही थी? कौन सा कैमरा? मेरा रोल है भाई। सालू भाई, तुम तो गए लंबा तुम इसके साथ क्या कर रही थी? घर से भाग रही थी, तुझे पता भी है घर से भागना क्या होता है? मैं भाग नहीं रही थी, मैं बस अपने सपने पूरे करने जा रही थी। वो मैंने एक ऑडिशन दिया था और उसकी शूटिंग के लिए मुंबई जा रही थी कि मुझे जाने दीजिए। किसके साथ? इसके साथ, इस धोखेबाज के साथ? अलंकार जी ने बहुत कुछ किया मेरे लिए, आप प्लीज उन्हें कुछ मत कहिए। अरे चुपचाप घर चल शालू। नहीं पिताजी, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे हमें जाने दीजिए, यहाँ पर हम सबके बीच मतभेद हो गया। मतभेद हुआ है? सारा सब सामने आने के बाद भी आप अपनी रोलिंग कितने गिरे हुए इंसान हो तुम अलंकार। सारा सच सामने आने के बाद भी तुम अपने आप को कितने गिरे हुए इंसान हो तुम अलंकार। सारा सच सामने आने के बाद भी अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शिविका जी, लगता है आप भी हो ओमकार की बातों में आ गई, या आप सबको हमारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं? गुरुजी, ये हमें दोषी ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, हम निर्दोष हैं। हाँ, निर्दोष। हाँ, आए वो पाप में पकड़ा और ये झुकाया। गुरुजी मारिए, नहीं छोड़िए, मारिए गुरुजी का, मारिए, साला बहुत कांड कर रहा है, मारिए। इतना बड़ा विश्वासघात, हमारे घर में रहकर हमारे नमक खाकर हमारे खिलाफ ही षड्यंत्र रचा तूने। अरे तुझे अपने से बढ़कर माना था मैंने, पर बदले में तूने क्या दिया? अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे हम तुम्हारे साथ। वो तो ईश्वर की कृपा है कि जो उन्होंने शिविका के जीवन को नरक होने से बचा लिया। तेरे कारण ही हमने अपनी बेटी और दामाद से रिश्ता तोड़ लिया। अरे नरक में जलेगा तू, नरक में। मान जी, आप शांत हो जाइए प्लीज, इसने जो जुर्म किया उसे कानून सजा देगा। ले जाइए। हाँ, आपकी बेटी को पूछताछ के लिए थाने चलना होगा। नहीं पिताजी, प्लीज मुझे नहीं जाना कहीं भी। हाँ इधर आ जाइए। थोड़ा छोटे सा बैठ जाओ। क्या फोकस तू? शिविका कोशिश में। ओके रोल। क्यों थी अब? मुझे कहीं भी नहीं जाना, प्लीज प्लीज मुझे नहीं जाना। प्लीज डर, हमें पता है तूने कुछ नहीं किया। जीएसटी का कैमरा किसके हाथ में? हाँ वो रोज बनाइए ना आगे। पिताजी मुझे कहीं भी नहीं जाना, दीदी मुझे नहीं जाना। शालू डर मत, हमें पता है तूने कुछ नहीं किया, लेकिन इस अलंकार के खिलाफ, अलंकार को डर, हमें पता है तूने कुछ नहीं किया, लेकिन इस अलंकार को सजा दिलवाने के लिए तुझे स्टेटमेंट देना होगा। ले चलो इसको भी ले चलो। तो
तुम टेंशन मत लो, हम सभी पुलिस स्टेशन आए। चलो हम आ रहे। ये रही। इसके साथ क्या कर रही हो? शिविका आ गई तब तक। शिविका आई, शिविका बोला शालू तू पागल हो गई है, घर से भाग रही थी। मतभेद हो गया? जी अच्छा हो गया, सॉरी। ओलो ओलो आशिक का थोड़ा लेफ्ट। ए साइलेंस, बाहर साइलेंस। कितने गिरे हुए इंसान यहाँ भलंकार जी, सारा सच सामने आने के बाद भी आप अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? दादा रोले एक्शन। कितने गिरे हुए इंसान है आप अलंकार जी, सारा सच सामने आने के बाद भी आप अपने आप को निर्दोष साबित कर रहे हैं, शर्म नहीं आती आपको? शिविका जी लगता है आप भी ओमकार जी की बातों में आ गई। ये आप सबको हमारे खिलाफ भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। गुरुजी हमारे ऊपर दोष डाला जा रहा है, हम निर्दोष हैं। निर्दोष हो? हाँ गुरुजी। आए पास में आए, झुकाया पकड़ा। गुरुजी गुरुजी छोड़िए, गुरुजी मान जी छोड़िए, से छोड़िए। इतना बड़ा विश्वासघात किया तुमने हमारे साथ, हमारे घर में रहकर हमारा नमक खाकर हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचा तुमने। तुझे अपने से बढ़कर माना, बदले में तूने हमें क्या दिया? तुमसे वो तो ईश्वर की कृपा है कि जो उन्होंने शिविका के जीवन को नरक होने से बचा लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। इंस्पेक्टर राइट, कंटिन्यू प्लीज। आप शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, इसने जो जुर्म किए हैं उसकी सजा इसे कानून देगा। पूरी लाइन कंटिन्यू। पूछताछ के लिए हमें आपकी बेटी को थाने ले जाना है। नहीं पिताजी, दीदी मुझे नहीं जाना। चलिए चलो चलो आइए। शुरुआत इस तरह से हुई कि शालू घर से भाग गए, मतलब भागे इन द सेंस ये शुरू तब से हुआ जब हम उसकी क्लासेस गए, कोचिंग क्लासेस, और हमें पता चला कि ना उसने कोचिंग क्लासेस की फ़ीस भरी है और ना ही वो क्लासेस अटेंड करी है पिछले बहुत दिनों से। उसने मुझसे भी पैसे लिए हैं, दीनू ने मुझे आकर बताया कि उसने पिताजी से भी पैसे लिए हैं जो उसने छिपा के रखे हैं, और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही है, कुछ नए कपड़े लेके आई हैं, पता नहीं क्या चल रहा है उसका, अलंकार के साथ रहती है। तो हमें तब से शक शुरू हुआ, और फिर हम जब घर पहुँचे और शालू मिल नहीं रही थी तो हमने छानबीन की अलंकार के कमरे की, तब ओमकार को लाल साड़ी और विग और घुंघरू मिले। तो ओमकार को ऑब्वियसली सब समझ में आ गया कि एग्जैक्टली ये सब कौन करा था, किसने करवाया था, क्योंकि अलंकार ही लाल साड़ी वाली औरत बन के घूम रहा था। तो ये वहाँ से सब सुलझना शुरू हुआ, और जब हम शालू को ढूंढने लगे तो वो हमें बस स्टैंड पर मिली, वो भी अलंकार के साथ। तो ऑब्वियसली हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, और पुलिस ऑलरेडी, जब हमें बाद में पता चला कि पुलिस ऑलरेडी बनारस की अलंकार को ढूंढ रही थी ज्योति के लापता होने की वजह से। तो अभी अलंकार पकड़ा गया, अब उसने कबूल कर लिया है, अभी पुलिस स्टेशन जाएंगे, उससे कबूल करवाएंगे कि उसने क्या क्या किया है। तो बस फाइनली शालू बच गई है अलंकार जी के जो भी इरादे थे उससे। बट शालू कहीं ना कहीं अलंकार को बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि शायद उसके वजह से ही उसका ड्रीम। हाँ एग्जैक्टली, अब वो नादान है, छोटी है, उसे समझ नहीं है दुनियादारी की, तो नहीं समझ में आता कि क्या है एग्जैक्टली,
कौन कैसा है नहीं समझ में आता, उसे बस ये लग रहा है कि अलंकार जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसका सपना पूरा करने में, तो वो अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। बट फाइनली अलंकार पकड़ा गया है, कैसा लग रहा है, बिकॉज़ काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए जी उनकी वजह से। पिताजी इतने दिनों तक हमसे नाराज थे, बात नहीं कर रहे थे, ओमकार के बारे में जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी पिताजी के मन में वो भी अलंकार ने पैदा की थी, तो बस मैं तो बहुत खुश हूँ कि अलंकार पकड़ा गया है और फाइनली पिताजी को सब सच समझ में आ गया और उन्होंने हमें एक्सेप्ट कर लिया है, ओमकार को एक्सेप्ट कर लिया, हमारे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अभी लाइफ बहुत सॉर्टेड है, सब खुशी का माहौल है, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमने सुना आपको ओमकार का एक रोमांस भी होने वाला है। जी अब फाइनली सब अच्छा हो गया है, तो जो प्यार कहीं खो गया था तो हमने सोचा कि उस प्यार को वापस लाया जाए ओमकार और शिविका के ऑडियंस के लिए। थैंक यू सो मच।